आज की मूवी पर चर्चा करते हैं। पहले जो फिल्म बना करता था जिसमें सामाजिक प्रासंगिकता का समावेश होता था, लेकिन आज जस्ट इनके विपरीत फिल्म बन रहा है। इन्हीं संदर्भों में हम आपको आगे ले चलना चाहते हैं। आज जो फिल्म बना है पठान जो है, पूरे देश में ये फिल्म विवाद का कारण बना है, यानी विवादित फिल्म बन गया है। सारे लोग विवाद कर रहे हैं, इस फिल्म को विरोध कर रहे हैं। तो इसमें जो है दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान जो है नायक और नायिका है। विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, मैं उन बातों की जानकारी देना चाहता हूँ आप दर्शकों को। ये बेशरम रंग की गाने पर जो है सो विवाद शुरू हुआ, जिनमें भगवा रंग की कपड़ा वो पहनी हुई है, और इसी पर जो है सो विवाद शुरू हुआ, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, RSS और मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जो मंत्री है, उन्होंने भी खुलकर विरोध किया है। ऐसे दीपिका पादुकोण का जो है बहुत सा फिल्म विवादित रहा है, जिसमें मैं आपको ले चलता हूँ, बाजीराव मस्तानी, छपा, रामलीला, पद्मावत, ये सारे के सारे फिल्म विवादित रहा है, और आज से पहले भी इस पर विवाद हुआ है। तो मैं आपको इस पर जो है ये कहना चाहता हूँ, ये तो विवाद करके फिल्मों को हिट करवाना चाहते हैं ये लोग, ये फिल्मकार, निर्माता और जो भी इनके एक्टर हो, ये तो विवाद करके इसमें अरबों की कमाई करते हैं, लेकिन हमारे समाज पर इसका विपरीत असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। इन पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। तो हम आते हैं अभी की जो फिल्म बन रहा है उसके बारे में आपको हम कुछ बताना चाहता हूँ। वर्तमान फिल्म की प्रासंगिकता पर इनके दो पहलू हैं, मानवीय मूल्य और सैद्धांतिक मूल्य। मानवीय मूल्य का जो है इनका भी जो है तीन पहलू होता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, आर्थिक परिप्रेक्ष्य और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो आइए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या है उनको भी हम जान लेते हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आपको नैतिकता का पतन होता है, जो हमारे समाज को आगे की ओर बढ़ना चाहिए, नीतिवान बनना चाहिए, निपुण बनना चाहिए, संस्कार बनना चाहिए, इसमें जो है नैतिकता का ह्रास होता है, सामाजिक मूल्यों का जो ह्रास होता है। जो ये ऐसे पठान फिल्म जैसे कई फिल्म बनाकर जो अश्लीलता का परिचय देता है, ऐसे फिल्म से जो है हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है, उसमें नैतिकता का पतन होता है। दूसरा है सामाजिक कुरीतियों का बढ़ावा, जो हमारे समाज में जो कुरीति सब को जिसको हमें फिल्म के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से कम करना है, उसे अच्छा सीन दिखा करके आगे बढ़ाना है, समाज को सही दिशा में ले जाना है, जस्ट उसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है, वह कुरीतियों को और बढ़ावा देता है, जिससे समाज में कुरीति का बढ़ावा मिलता है। अब आते हैं हम तीसरा पहलू पर, जो एक नए आदर्श विहीन वर्ग का उदय होगा। आपको हमें आदर्श बनाना चाहिए, समाज को, हमारे अपने बच्चे को आदर्श बनाना चाहिए, शिष्टाचार का उसमें गुण होना चाहिए। ये बिल्कुल जो है फिल्मों के माध्यम से अभी वह उल्टा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं आपको आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, जो भी दो पहलू है आपको, आर्थिक लाभ और अनैतिक तरीके से लाभ अर्जित करने का होर मच रहा है। आर्थिक लाभ तो आपको खास वर्ग को मिलेगा, यानी जो फिल्म बनाता है, जो एक्टर है, जो नायक और नायिका है, या जो उससे लगे हुए जो भी मतलब लोग हैं फिल्म बनाने वाले, उनको तो लाभ मिलेगा, खूब कमाएगा, उनको तो पैसा मिलेगा। लेकिन इसके जो है दूसरा पहलू ये देखिए कि जो लोग इस फिल्म को देखेंगे, इस पर समाज का क्या असर पड़ेगा, उसका समय भी जाता है, पैसा का भी हनन मतलब व्यय होता है, और हमारे समाज को कुछ नहीं मिल रहा है, बजाय जो है आपको आर्थिक हानि और सामाजिक हानि से कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है। और या तो वह अनैतिक तरीके से वह बहुत पैसा कमा लेगा, करोड़ों अरबों रुपया कमा लेता है। अब हम आते हैं आपको क्या कहते हैं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में,
सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्राचीन से लेकर वर्तमान विरासत तक की प्रासंगिकता पर धक्का लगेगा। प्राचीन से लेकर अभी जो वर्तमान समय तक जो है, जो हमारे प्रासंगिकता पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। प्राचीन में हमारे समाज का क्या मूल्य था, हम कहाँ थे और आज हम कहाँ चले आए। इसके माध्यम से, मूवी के माध्यम से हमें समाज को उठाना है, मूवी के माध्यम से हमें समाज को उठाना है, लेकिन यह हमें ह्रास की ओर, पीछे की ओर ले जा रहा है। हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता का अवमूल्यन कर रहा है इसके माध्यम से। एक जमाना था जिस पर जो फिल्म बनती थी तो हम लोग भी देखने जाते थे, जिसकी जो है आपको समाज के साथ प्रासंगिकता होता था। हम लोग जो है सो अच्छे समाज के सुधार के लिए उनको जो है कथा, संवाद, पटकथा, ये सब समाज के आधार पर लिख कर फिल्म बनाते थे। जिसके कलाकार होते थे दिलीप कुमार, जिसके कलाकार होते थे राजेंद्र कुमार, जिसके कलाकार होते थे देवानंद, ऐसे ऐसे कलाकार होते थे। तो हम लोगों को मूवी देखने में परिवार के साथ देखते थे और उसका अच्छा प्रभाव पड़ता था समाज पर, परिवार पर। अब हम आते हैं आपको दूसरा, लोगों का ध्यान सांस्कृतिक विरासत से हटकर अश्लीलता की ओर उन्मुख होता है। हम लोगों को जो सभ्यता और संस्कृति है उसका लोप हो रहा है, और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, अश्लीलता है, उसका जो है उस पर उसका जो है सो प्रचार हो रहा है, उसका जो है सो जोर हो रहा है। इससे समाज पर जो है बहुत खराब, बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अश्लीलता का जो है, अश्लीलता का दृश्य दिखाकर उन बच्चों का भी भविष्य पर जो है सो असर डाल रहा है आने वाले समय में। तो अब ये मैं आपको दूसरी बात है, एक सैद्धांतिक के साथ समावेश, सैद्धांतिक के साथ जो है सो इनका भी एक दो पहलू है। एक चाहता है अभाव और दूसरा है मूल्यों का ह्रास। इसमें अभाव में जो क्या होता है, जैसे वैचारिक स्तर में गिरावट होगा, हम लोगों का जो सोच है, जो विचार है, जो हम लोग अच्छा सोचते हैं कि अच्छा सोचना चाहिए, समाज का निर्माण कैसा होना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होने चाहिए, उसका जो है विचार में गिरावट होगा, ह्रास होगा। दूसरी बात है सामाजिक शिष्टाचार की खत्मा। हमारे समाज में जो बड़ों बुजुर्गों को आदर करना भूल जाते हैं, क्योंकि इस फिल्म का प्रभाव लोग देखते हैं, नायक और नायिका को जो है एक नेतृत्व के रूप में, नायक होता है एक नेतृत्व के रूप में जो समाज और हर चीज़ को दिशा देता है, उसी रूप में हमारे बच्चे या हम लोग देखते हैं, इसका अनुकरण करते हैं। लेकिन यदि वही मतलब हमारे समाज को गलत दिशा में ले जाएगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सामाजिक शिष्टाचार खात्मा। अब ऐसे फिल्मों का ह्रास जो होता है, उनमें एक नए सिद्धांत विकसित होंगे। मूल्यों का ह्रास में एक नए सिद्धांत भी विकसित होंगे, जिसमें राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी होंगे। जो ऐसे लोग भी होंगे जो राष्ट्र विरोधी होंगे, संविधान विरोधी होंगे। तो ऐसे मूवी को आप लोग पर मैं छोड़ता हूँ कि आप देखेंगे या नहीं देखेंगे, वो आपकी राय है। मैंने पूरे फिल्म पर जो है अपनी सारा जो है सो सिद्धांत, सारी बातों पर जो है सो अपना विचार व्यक्त करके आप लोगों को बता दिया हूँ, वो आप पर मैं छोड़ता हूँ। ऐसी फिल्म देखें या ना देखें, हम आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही बातों को लेकर।